2021 पे कन्नड़ा यानी सैंडलवुड इंडस्ट्री की कई सारे मूवी रिलीज हुई हैं। उनमें से चार मूवी सबसे खास है, बेहतरीन है। एक तो है पोगारू, दूसरी युवा रत्ना, तीसरी रोबोट और चौथी जो आज रिलीज हुई है कोडीगप्पा 3। तो इन चारों मूवी की फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे आखिर किस मूवी ने फर्स्ट डे पे ज्यादा कमाई की है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें मूवी पोगारू के बारे में। तो दोस्तों पोगारू जो कि कन्नड़ा इंडस्ट्री के एक्शन पैकेज मूवी थे, जो मूवी 19 फरवरी को रिलीज हुई थी। जिस मूवी के अंदर ध्रुवा सर्जा, रश्मिका मंदाना, धनंजय, रविशंकर, सिकन्ना, ऐसे ही कुल मिला के बहुत सारे कलाकार देखने को मिले थे। कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों पोगारू मूवी ने रिलीज के पहले दिन फर्स्ट डे पे टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया था पूरे 16 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, पोगारू मूवी ने रिलीज के पहले दिन इंडिया नेट इंडिया ग्रोस और ओवरसीज कलेक्शन को जोड़ के टोटली फर्स्ट डे पे टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया था पूरे 16 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात करें युवा रत्ना मूवी के बारे में, तो दोस्तों युवा रत्ना मूवी जो कि 1 अप्रैल 2021 को रिलीज हुई थी, जो मूवी दो लैंग्वेज के साथ रिलीज हुई थी, कन्नड़ा और तेलुगु। जिस मूवी के अंदर हमें पावर स्टार पुनीत राजकुमार को देखने को मिले थे, धनंजया, शैशा सिगाल, बसिता एंड सीमाजी, ऐसे मिला के बहुत सारे कलाकार देखने को मिले थे। कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों युवा रत्ना मूवी ने रिलीज के पहले दिन टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया था पूरे 22 करोड़ 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, युवा रत्ना मूवी के रिलीज के पहले दिन का इंडिया नेट कलेक्शन, इंडिया ग्रोस कलेक्शन, इंडिया के बाहर की ओवरसीज कलेक्शन को जोड़ के टोटल जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा था रिलीज के पहले दिन का, वो था 22 करोड़ 50 लाख रुपए। अब बात करें रोबोट मूवी के बारे में, तो दोस्तों रोबोट जो कि 11 मार्च को रिलीज हुई थी, जो मूवी ऑल्सो दो लैंग्वेज के साथ रिलीज हुई थी, कन्नड़ा और तेलुगु। जिस मूवी के अंदर हमें स्टार कास्ट पे देखने को मिले थे, दर्शन जी को, जगपती बाबू, विनोद प्रभाकर, अशा भट्ट, सिकन्ना, ऐश्वर्य प्रसाद, सोनल मेंटेरियो, ऐसे ही कुल मिला के बहुत सारे कलाकार देखने को मिले थे। कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों रोबोट मूवी को बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग मिली थी। रोबोट मूवी ने रिलीज के पहले दिन टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया था पूरे 24 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, रोबोट मूवी ने इंडिया नेट कलेक्शन, इंडिया ग्रोस कलेक्शन और ओवरसीज कलेक्शन बहुत ही जबरदस्त की थी और तीनों कलेक्शन को जोड़ के रिलीज के पहले दिन का जो टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन रहा था वो था 24 करोड़ रुपए। अब बात करें कोडीगप्पा 3 मूवी के बारे में, तो दोस्तों कोडीगप्पा 3 जो मूवी आज 14 अक्टूबर को रिलीज हुई है, जिस मूवी के अंदर किस्सा सुदीप सर के अलावा भी मैडोना, सेबेस्टियन, शारदा दास, आफ्ताब, ऐसे कुल मिला के बहुत सारे कलाकार देखने को मिले हैं। कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों कोडीगप्पा 3 मूवी रिलीज के पहले दिन टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करने लगे है पूरे 15 करोड़ 70 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, कोडीगप्पा 3 रिलीज होते ही आज 14 अक्टूबर को सिर्फ कन्नड़ा भाषाओं के साथ नेट कलेक्शन नहीं बल्कि ग्रोस कलेक्शन करने लगे पूरे 15 करोड़ रुपए और ओवरसीज मार्केट यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन आने लगे लगभग 70 लाख रुपए। उस हिसाब से कोडीगप्पा 3 मूवी रिलीज के पहले दिन टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करने लगे पूरे 15 करोड़ 70 लाख रुपए। तो दोस्तों यही थे इन चारों मूवी के बॉक्स ऑफिस फर्स्ट डे कंपैरिजन। उस हिसाब से रोबोट मूवी के कलेक्शन अभी तक बरकरार है। रोबोट मूवी के कलेक्शन 2021 पे अभी तक किसी ने नहीं तोड़ पाए। तो आपसे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा और इसी तरह के मूवीज अपडेट वीडियो के लिए, बॉक्स ऑफिस की खबरें के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय दोस्तों।